देवन को एके भगवान सारे जपो सारयां नूं देण वाला परमेश्वर आप है। लाकीड़ी तों लैके ब्रह्मा तक सब दी पालना परमेश्वर आप ही तां कर रहा। सब दा मालिक इको है। गुरु नानक साहब कहते सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर ना जाई। ऐसा परमेश्वर मैनु कदे ना विसरे जेड़ा सबनु दे रहे है। सारे जपियो देवन को एक भगवान देवन को जिसके दिए रहे अधाए जिसके दिए रहे अधाए बहुड़ न कृष्णा लागे आए Yeah.
ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੀਵਨ ਕੋ ਏਕੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ, ਜੀਵਨ ਕੋ ਏਕੇ ਭਗਵਾਨ। ਕਿਸਕਾ ਹੁਕਮ ਬੂਝ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਕਿਸਕਾ ਹੁਕਮ ਬੂਝ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਕਿਸਕਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਕੰਠ ਪਰੋਏ, ਕਿਸਕਾ ਨਾਮ ਕੰਠ ਪਰੋਏ। ਦੇਵਨ ਕੋ ਏਕੇ ਭਗਵਾਨ, ਦੇਵਨ ਕੋ ਸਾਰੇ ਜਪੋ ਏਕੇ ਭਗਵਾਨ। ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਭਗਵਾਨ।
देवन को एके भगवान देवन को एके भगवान एके भगवान एके भगवान पाल कर सारे दी पालना कर रहे सात सिंह के पुसरी बाणी विच आखिया है कोट ब्रह्मंड को ठाकुर स्वामी कोट ब्रह्मंड को ठाकुर स्वामी सारे स्वामी सर्प जिया का दाता रे सर्प जिया का दाता रे पिट पाले निज सार संभाले पाले एक गुण नहीं मूर्ख जाता रे एक मूर्ख जाता रे तुम दाते ठाकुर प्रित पालक नायक खसम हमारे निमक निमक तुम ही प्रित पालो हम बारिक तुम रे धारे हम बारिक तुम रे धारे देवन को एके भगवान देवन पाल करे नित संत उबार कनी मन गारे पच पशु नग नाग नराद सर्व समय पाले भोगत गए जल में फल में पल में कल की कर्म विचारे दीन दयाल दयाल दोखन देखत गए पर देख नहारे देवन को एक भगवान देवन को एक भगवान रोगन ते अशोकन ते जल जोगन ते दो पांत बचावे शस्त्र अनेक चलावत ताऊ दौतन एक न लागन पावे राखत है अपनों कर दे पाप समूना पेटन पावे और की बात कहां कह दो सो पेट ही के पट बीच बचावे देवन को एक है भगवान भगवान देवन को एक है भगवान वाहेगुरु 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 वाहेगुरु
देवन को ए भगवान देवन को ए भगवान साथ संगीत जपो श्री सबनु देन वाला काल पुरख वाहेगुरु आप ही तो है जितने जीव उन्हें पैदा कीते हैं सारियां नूं रिजक ओ दे रही है तू मेरा पिता तू है मेरा माता तू मेरा बंदप तू मेरा प्राता जदों बच्चा माता दे पेट विच हुंदा है ना वाहिगुरु उस दी रखिया उत्थों तो ही शुरू कर देंदा है जदों संसार विच आउंदा है उदे खान दा पीन दा पहनन दा रहन दा उदी परवरिश दा परमेश्वर सारे प्रबंध कर देंदा पर साडा मन है ये डोल जांदा है कदी कदी पहले बनी प्रालब्ध पाछे बना शरीर ध्यान देना पहले बनी प्रालब्ध पाछे बना शरीर पर तुलसी की अचरज है मन नहीं बांधे धीर मन नू तीरज नहीं आउंदा भई मेरे काम किवें होणगे आख्या जे गुरु ते भरोसा करे ना तो तेनू कोई चिंता करन दी लोड़ नहीं समय तो पहला ही गुरु तेरे सारे काम सवार देवेगा उच्चारण करो श्री तू सोचे भी नहीं होंगे काम पहले ही हो जाएंगे करने ना पड़े देव आगे रच धरे तू सोचिया भी नहीं होएगा ते काम पहले ही हो जाएंगे तू मन विच सोचेगा कि जे तो मैं विचार ही कीता सी भई ये काम हो जावे ते तो होया पे अगो किसने कीता है तेरे गुरु ने कर देता है सदके तेरे नितनेम दे जदों तू नितनेम करना है ना नाम जपना है गुरु नानक दा मुख तेरे वल हो जांदा है सात संगत जपो श्री आज जितने तुसी सात संगत विच बैठे हो ना इस वेले तुहाडा मुख गुरु नानक वाला है ना गुरु ग्रंथ साहिब वाला बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे जिन्हां दा मुख गुरु वल हुंदा है नाम जपदे ना गुरु दा ते फिर गुरु दा भी मुख उन्हां वल हो जांदा है प्यार नाल जपो श्री नाम देव जी नूं जदों पंडतां ने धक्के मार के मंदिर तों बाहर कढ़िया आख्या तू शूद्र है तू साडे नाल मिल के भगती नहीं कर सकदा सी उच्ची जात दे ये तां गुरु नानक दा दर है खत्री ब्राह्मण शूद्र वैश उपदेश चौं वर्णा को सांझा नामदेव नू थके मारे बेचारे नू एक वारी दो वारी तीन वारी आख्या घर मैं भी कोई नहीं जाना बेशक लड़ पए मेरे नाल साडा तां किसे नाल झगड़ा हो जावे संगत विच असी गुरुद्वारे आना ही छड़ देने उच्चारण करो श्री जिहड़े प्यार वाले हैं ना वो गुरु नू कंड नहीं करके जांदे कदी नामदेव पिछवाड़े आके बह गया प्रभु अज घर नहीं जाना आज तेरे नाल गल करके जानी है इस जन्म विच मैं आपे थोड़ी आया तू ही तो भेजे है जिस वेले नामदेव ने कीती ना सच्चे मन नाल अरदास दे गाए गुण उस ठाकुर दे आहा ऐसा अचरज कौतक होया मंदिर दा जेड़ा मुख द्वार सी ना ओ तां हो गया नामदेव वाल जिथे भगवान दी मूर्त सी ते जेड़े हंकारी पंडित सन ना उन्हां वल भगवान जी दी पिठ हो गई रोज बाणी विच पढ़दे हो ना हंकारियां निंदकां पिठ दे नाम देओ मुख लाया भगवान जेड़े मूर्त रूप सन ना मूर्त ओ मूर्त ना रही नामदेव दी श्रद्धा ने उस मूर्त नूं सूरत बना दिता प्रगट हो गए
ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਆ ਕੇ ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਗਲੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਆਖਿਆ ਮੇਰਾ ਭਗਤ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਮੁੱਖ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ੍ਰੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਹ ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਉਹ ਸੰਤ ਹਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ। ਰਾਤ ਪਿੰਡੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਰੇ ਚਮਕਦੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਜਪ ਰਿਹਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਸੰਤ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਪਿੰਨੀ ਰਹਿਣੜੀਏ ਚਮਕਣ ਤਾਰੇ, ਜਾਗੇ ਸੰਤ ਜਨਾ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਜਪਿਓ, ਬਿੰਨੀ ਰਹਿਣੜੀਏ ਚਮਕਣ ਤਾਰੇ ਰਾਮ, ਬਿੰਨੀ ਰਹਿਣੜੀਏ ਚਮਕਣ ਤਾਰੇ ਐਸਾ ਹੀ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਰੋਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਹਰ ਸੰਗਰਾਂਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਦਰ, ਪਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸੰਗਰਾਂਦ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਅੱਜ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਅੱਜ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਜਾਂਦਿਆਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਇਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 12 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਰੂੜੀ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
अज जिस वेले मत्था टेकिया ते मेरे सतगुरु जी दे नेत्र खुल गए। सात संगत जपो श्री सिख वल वेखिया, सिख मत्था टेक रहा है ते जिस वेले मत्था टेकिया ते मेरे कलगी दर पातशाह अंतर जामी। अज सिख सोच के आया सी ना, गुरु कदी बुलांदा नहीं, ते मेरे साहब कहन लगे सिखा कित्थों आए हैं। सात संगत जपो श्री, सिख दे मन नूं अज शांति आई, ठंड पै गई। शुक्र है गुरु ने मेरे वल वेखिया तां है, गुरु ने मेरी गल तां पुछी है। साध संगत जी, जिस वेले साहब ने पुछिया कोट सुख आनंद राज पाए मुख ते निमुख बुलाई, करोड़ा राज भाग दे सुख इवें मिल गए जे गुरु ने आवाज दे के सिख नूं बुला लिया। कोलो बुलाया पुछिया सिखा कित्थों आए, पातशाह बड़ी दूरों चल के, हर महीने आउना संगरांद नूं तेरे दर्शन कर जाना, पर शुक्र है अज बारह वरियां बाद तू मेरे वल वेखता लिता है। हुण मैनू इतना ही मेरियां चोलियां अज भरियां गईयां जे तू मेरे वल वेख ले, मैनू इतना ही सुख बहुत है। आग्या दे हुण मैं जावां। साहब कहण लगे कीर्तन दा भोग नहीं पिया, अरदासा नहीं होया, हुक्मनामा नहीं होया, तू जा रहे हैं पहली बार आए नहीं पातशाह, बारह साल हो गए आंदे, बारह साल हो गए। अच्छा बैठ जा, जे कीर्तन हो रहा है भोग तो बाद तेरे नाल गल करांगे। सात संगत जपो श्री जी। कहन लगा पातशाह मेरे कोल इतना वक्त नहीं, मैं कीर्तन दी समाप्ति तक बैठा, भोग पवे ते तू मेरे नाल गल करे, मेरे कोल इतना वक्त कोई नहीं, मैं जल्दी जाना है घर, क्योंकि मैं सज्जा दिहाड़ी दा मजदूर हां, सारा दिन कम करदा ते बाल बच्चे दा फिर पेट पालदा हां, ते जे अज कम ते ना गया मजूरी कोई नहीं मिलनी ते बच्चे भुखे ही रह जाने। गुरु गोबिंद सिंह जी मुस्कुराए कहन लगे ना भाई इवें नहीं आखीदा, तू बह जा संगत विच, चिंता ना कर। पातशाह किवें चिंता ना करा, मैं कमाउना ते मेरे बच्चे पलदे। साहब कहन लगे ना भोलिया इवें नहीं आखीदा, आख गुरु नानक देंदा है, कहिंदा बारह साल हो गए तेरे दर ते आउंदिया, अज तक तां गुरु नानक ने कदी दिता नहीं। साहब कहन लगे बेशक बारह साल हो गए सिखा तेनू आउंदिया, पर अजे गुरु ते भरोसा कोई नहीं आया, भावना नहीं बजी ना गुरु ते, की आखना पातशाह मैं जाना। अच्छा तेरी मर्जी, फिर साडा एक काम कर दे, रुकण लई नहीं कहो, बाकी जो आखो करांगा। साहब कहन लगे चिट्ठी दे देनियां तेनू, रस्ते विच साडा सिख बुद्धू शाह रहिंदा फलाने पिंड विच, उनू ए रस्ते विच चिट्ठी देंदा जाई सत बचन, कोई नहीं दो चार मील दा फर्क पएगा, दो चार मीलां दा पेंडा वध कर लवांगा, पर इत्थे रुकण लई नहीं आखो, जावांगा मजूरी करांगा, दो चार पैसे कमावांगा ते बाल बच्चे दा पेट भरेगा। साहब ने चिट्ठी लिख दिती, ते चिट्ठी विच की लिखिया, मेरे परम प्यारे सिख वीर, मेरे परम प्यारे सिख वीर, ए पढ़ लैणी अरदास इस चिट्ठी वाले सिख तुसा रखना अपने पास, कितना कुल चिर जदों नौ महीने बीत सन, रुत आसी मगर मास, अद इसनू छुट्टी देवनी, इदी करनी बंद खलास।
साहब ने लिख दिता 9 महीने उत्थे इनू रखना है, भावें प्यार नाल रवे ते भावें फिर जबरदस्ती रखना पवे। चिट्ठी दित्ती, सिख ने चिट्ठी पग दी पेच विच रखी, काली काली जल्दी जल्दी तुरी जांदा है, किते पिछों गुरु वाज ना दे दे। पहुंचिया अगे बुद्धू शाह, आह गुरु दरबार वाल अखां ला के बैठे अरदास कर रहा है, कलगियां वाले आ अपना दर्शन नहीं देना तो अपने किसे सिख दा दर्शन करा दे। आए मिल गुर सिख, आए मिल तू मेरे गुरु के प्यारे। आ गया सिख, दित्ती चिट्ठी, लै वही कलगियां वाले ने तेरे वास्ते चिट्ठी भेजी है। जां पढ़ी तो आख्या चिट्ठी तो मैनू भेजी है पर है तेरे वाले, ते लिखिया विच 9 महीने तेनू इत्थे रखना है। बुद्धू शादियां सुन सुन बातां, सिख धरन डिगा गश खा के चक्कर आ गए। 9 महीने इत्थे रखेंगा तू मैनू आख्या, हां प्यार नाल रवे तो गुरु जोग सेवा करांगा, नहीं तो जबरदस्ती रखना पवे तां भी रखांगा, गुरु का हुक्म है। सिख बड़ा रोया, बड़ा पिटिया। बुद्धू शाह ने बंदिया नू आख्या अपने पकड़ के अंदर पा दियो कमरे विच, उचारण करो श्री। बड़ा बोलिया गुरु वास्ते, चंगा गुरु है तू, तेरे कोल कोई प्यार नाल ना रवे ता 9 महीने दियां कैदा विच पा देने, अज तो बाद तेरे द्वारे कदी नहीं आवांगा। इत्थे बुद्धू शाह ने सिख नू कोल रखिया ते उत्थे कलगीधर पातशाह जी ने पाणा वरताया। जिथे सिख दे बच्चे रहिंदे सन ना गांव विच, गुआंढ दे सेठ नू साहिब ने सुपने विच दर्शन दिते, भई तेरे गुआंढ विच साडे बच्चे रहिंदे, सिख दे बच्चे नहीं साडे बच्चे ने, इन्हां दी सेवा करेंगा इस परिवार दी, तेरे उत्ते गुरु नानक दियां खुशियां। सेठ ने हर प्रकार घिओ आटा दाल चावल सब पदार्थ लिया दिते, आख्या कुछ होर जरूरत होवे तां ओह वी दस दिओ। बरखा होण लगी, कच्ची कुल्ली सी सिख दी चौण लग पई। सेठ आया कहण लगा खच्चर दे देना, खेत विचों मिट्टी पुट लियान बचे ते लेप कर लैन। जिस वेले गए मिट्टी लैण खेतां विच, पहली कई मारी तां मिट्टी दी, दूई कई मारी तां देग मोरां दी पई होई है। आ खचरां ते मिट्टी लद के लियानी सी, मोरां लद के लियाए सोने दी। उचारण करो श्री। गुरु देण ते आउंदा कोई देर लांदा, उहदे बड़े रस्ते। हुण तां घर लहरां बैरां हो गई, कच्चे मकान दी जगह पक्का महल बन गया, सोहना मकान 3 मंजिला, सोहने कपड़े सवा ले, गहने लै ले। इत्थे 9 महीने बीते, बुद्धू शाह ने आख्या अज तेरी छुट्टी, पर एक बचन एक बेनती चिट्ठी लिख देना रस्ते विच गुरु गोबिंद सिंह जी नूं देंदा जाए। कहन लगा ना उस गुरु वाल नहीं जाना, उदी चिट्ठी लै के तेरे कोल आया, तू 9 महीने रख लिया, ते तेरी चिट्ठी लै के उत्थे जावां 18 महीने फिर रख लवे। उचारण करो श्री। हुण तां घर जावांगा, बच्चियां दी सुध लवां, किथे रुल गए बच्चे। पर जदों अपने महल्ले विच आया, अपनी गली विच पहुंचिया, की वेखिया जिथे कच्ची कुल्ली सी 3 मंजिला मकान बनिया, सुदामे वांगू चिलमिल चिलमिल कर रहा। उचारण करो श्री। कहिंदा शायद किसे गरीब ने जान के, गरीब जान के मैनू किसे अमीर ने मेरी कुल्ली ते कब्जा कर लिया, अपना मकान बना लिया, वेखा कौन गए घर विच। बच्चे बाहर खेल रहे सन, दौड़ के अंदर गए। छोटा बड़े भरा नू कहन लगा दरवाजा बंद कर, बापू बाहर खड़ोता है, किते अंदर ना आ जावे। जदों दा गया नू साडे घरों साड़ सती नाल ही लै गया, इनू अंदर ना आउण देई। घरवाली ने, सिख दी घरवाली ने पुछिया बच्चो किदी गल्लां कर रहे हो, मां बाहर बापू खड़ोता है। दौड़ के आई, आओ स्वामी असी तो तुहानू ही उड़ीक रहे सां। आख्या इतना कुछ किवें बन गया,
आख्या सब गुरु गोबिंद सिंह जी की कृपा है। देवन को एक है भगवान, वो सबनू देन वाला है। जे वो एक नजर कर देवे भिखारी नू राजा कर देंदा है, कंगलियां नू पातशाह बना देंदा है। साडे घर तां रोटी खाण नू नहीं सी, ए उसकी कृपा है जिसने खजाने बख्श दिते। नू उचारण करो श्री, ये सब सुख ओदी बरकत है। तुहानू उड़ीक रहे सां, तुसी आओ तां सानू भी गुरु कोल लै जाओ। लगता है 9 महीने खूब गुरु की सेवा की है, ताइए तो सानू फल मिले। कहता मैं तो गुरु के पास ही नहीं रहा, मैं तो गुरु की निंदा करता रहा, ते ओ मेरे घर भरता रहा। उचारण करो श्री, रो पिया सिख। गुरु एडा दयालु ते मैं एडा पापी, चल के भुला बख्शाइए। जिस वेले सारे आए गुरु गोबिंद सिंह साहब के चरण, मेरे पातशाह कहन लगे सिखा जा मजूरी कर, दो चार पैसे कमा, बच्चियां नू पाल, तेरे बच्चे भुखे होणगे ना। गुरु नानक थोड़े ही देंदा है, तू कमाना ते तेरे बच्चे पल देन। रो पिया पातशाह मैं भुल गया, अज पता लगा जिन्हू तू देवे ना। जिसके दिए रहे अगाए, बौर न तृष्णा लागे आए। जिन्हू तू देवे फिर उस दियां सारियां दुखां भुखां मिट जांदियां। मेरे पातशाह मैनू बख्श लै, चरणा ते टठा ते की बेनती कीती तुसी भी करो। महाराज जी करिया करदे सन, सच्चे पातशाह मेरी बख्श करता मैंने माणा, तू बेअंत तेरा अंत ना जाना। सच्चे शरणी लाओ अपनी चरणी, बिरद पछाना तू बेअंत तेरा अंत न जाना। सच्चे पातशाह सिख चरणा दे बादशाह बख्श लो। धन बाबा नंद सिंह जी बचन करते सन, फिर फुल तोड़न जिदी देर लग सकती है, अख बंद करके खोलन जितनी देर लग सकती है। प्यारे आ तेरे टहन विच देरी है, गुरु नानक नू तेरे गुनाह बख्शन विच कोई देरी नहीं। बख्श दिता मेरे गुरु ने, ते फिर कीर्तनिया नू कीता इशारा, पढ़ो वही शब्द, मेहरबान साहिब मेहरबान साहिब मेरा, मेहरबान जी सगल को दे दान। सब नू वाहिगुरु आप दे रहे है। पंजवें पातशाह गुरु अर्जन देव जी कह रहे हैं, देवन को एक है भगवान, देवन को सारे जगत समाप्ति है।
भगवान।